You are watching 1PM Bulletin. हजार दोस्तों के सरकारी मशीनरी मिले है वफाक जी उन्हें जोर से किसरा पोलिंग स्टेशन है उन्हें पोलिंग जे बॉक्सेस के साड़ियों वो है उतने रैगिंग करने की कोशिश कई है उन्होंने जोरी पोलिंग स्टेशन बाहर डेरी थन मानों साथ विड़िया बदतमीजी कई थन यो कूड़ था गल अस सच गाली अल्लाह के हाजिर नाजर समझी अस चौदा या गुंडागर्दी न थे खपे थर की आवाम के छो वे जो राइट हक है थरपारकर के कौमी तक एनए 221 ते नंढी चूंड लाई पोलिंग दौरान मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस बदनज़मी जो शिकार छाछरों में कैसरार समा पोलिंग स्टेशन ते शरपसंदन पोलिंग बैग्स के बाहर रही छड़ी बैलेट पेपर्स ए बो सामान सड़ी रख पुलिस पीटीआई के चयन कारकुनन के गिरफ्तार कर वरतो बाहि वाक्य बाद पोलिंग स्टेशन ते रेंजर्स ए पुलिस जा इजाफी अहलकार मुकर्रर पोलिंग जो अमल जारी पीपल्स पार्टी आई जीडीए तरफा एक बे ते बाहि वाक्य में मुलविस होजन जा इल्ज़ाम पुलिस जो चवण है छाछरों में पोलिंग बैग्स के बाहि हादसाती तौर लगी जै सबब पोलिंग जो अमल जुज़वी तौर मुतासिर थे थरपारकर के कौमी तक एनए 221 ते नंढी चूंड लाइ पोलिंग जारी पीपी उम्मीदवार अमीर अली शाह पीटीआई उम्मीदवार निजामुद्दीन ब्राहिमून चूंड दंगल लाइ मैदान ते लथल नंढी चूंड दौरान 318 पोलिंग स्टेशंस ते 281,000 वोटर्स हक इस्तेमाल कर रहा है पोलिंग शाम 5 वगे तक जारी रही नंढी चूंड के मौके ते सिक्योरिटी लाइ पुलिस ए रेंजर्स मुकर्रर इलेक्शन कमीशन सिंध आईजी सिंध ए थरपारकर की इंतजामिया के शफाफ चूंडू यकीनी बनाने की हिदायत कर छी इलेक्शन कमीशन हिदायत कई है नंढी चूंड दौरान इखलाकी जब्ते की भंजकड़ी से बिना कें फर्क के कार्रवाई कई वही डस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के धुंद में गायब थियण मखसूस पोलिंग स्टेशंस में 30 बदरा 90% मौजजाती टर्नआउट के कौम रद्द करे थी अगूणे वजीर आजम नवाज शरीफ जो ट्वीट नवाज शरीफ जो चवण है इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज सेलेक्टेड सेलेक्टर्स खिलाफ खुली FIR है कुधी रांद में मुलविस किरदारन खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वे नवाज लीग की नायब सदर मरियम नवाज अज डस्का पहुंची रही है मरियम नवाज डस्का में पार्टी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार शाह के घर वेंदी नून लीग के नायब सदर नंढी चूंड दौरान फायरिंग में मारजी वेल कारकुनन के वारसन से भी ताजियत कर नौशहरा के सूबाई तक के नंढी चूंड में लीगी उम्मीदवार की कामयाबी वाले जश्न में वफाकी वजीर परवेज खटक जो भा लियाकत खटक भी शामिल वीडियोज मंजर आम से अचण बाद केपी के सूबाई वजीर लियाकत खटक के अहदे ता हटाया वो लियाकत खटक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कदे है नौशहरा के अवाम PTI कारकुनन लीगी उम्मीदवार की हिमायत कई मूं सदाई परवेज खटक लाए सियासत कई पर हु गलत हथन में खेली रो है PTI अगवान शौकत यूसुफज़ई जो चवण है लियाकत खटक पार्टी के धोखो दिनों सनस अमल से परवेज खटक की साख भी मुतासिर थी है PTI लियाकत खटक के संजीदा न वरतो यो असां लाए सबक है सिंध हुकूमत वफा का टेक्सटाइल ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिया जरई पैकेज दियण जो भी मुतालबो कर छो जरात वाले सूबाई वजीर इस्माइल वाहू जो चवण है गुजरल बरसातुन सबब सिंध के 15 जिलन में फसल सख्त मुतासर थिया वफाकी हुकूमत सिंध के आबादगारन की वाहुर ना ही कई नंढन आबादगारन हारिन के आसान किस्तुन से बिना व्याज कर्ज दियण जो मुतालबो वफाकी हुकूमत महंगाई सेटल अवाम के रिलीफ दियण में नाकाम यूटिलिटी स्टोर्स से गेह कुकिंग ऑयल
खीर के अघन में रिकॉर्ड इजाफो। कुकिंग ऑयल के फी लीटर से 45 रुपया गेह 26 रुपया वाद से महांगो। बारण के खीर से 100 रुपया वाद। स्टेशनरी शयन के अघन में भी 13 रुपया इजाफो। खंड की खरीदारी में देर से यूटिलिटी स्टोर्स से खंड जो बहरान पैदा थो खदशो। घोटकी भरसा पानी के वारे से वेल टे गोठाणा मुबैना तौर अगवा। गोठ अल डो घोटो वासी गुलाम मुस्तफा मीरानी गुल मोहम्मद हबीबुला मीरानी अगवा थी वया। वारसन पुलिस के इतला दई छो। पुलिस कच्चे में पेरा विजाए मोटी आई। खानपुर महर में संगामती तकरार तां कत्ल थियल औरत करीमत बोजदार जो टिन जणन खिलाफ केस दाखिल। उस्मान बोजदार FIR दाखिल कराईंदे मौके पर इख्तियार कयो त जवाबदार रियाज बोजदार साधन सा गडजी मुंजी घरवारी के कत्ल कयो। गुजरली पुलिस केस जे मुख्य जवाबदार रियाज बोजदार के गिरफ्तार कयो। सिंध में सरकारी जमीनों से कब्जन खिलाफ ऑपरेशन जारी। सखर में 0 पॉइंट वट गरी मशीनरी जरिए ऑपरेशन। केतरा ही घर ड्राहे पट कया गया। मीरपुर खास के इलाके छुडो में गैस सिलेंडर फाटन सबब होटल कैबिन्स के बाहे लगी वही। 30 का छपरा कैबिनू सड़ी रख। शहर जो चवण है छपरा होटल में गैस सिलेंडर फाटन सबब बाहे लगी जे दिसंदे ही दिसंदे 30 का छपरा साड़े रख कर छा। नवाब वली मोहम्मद में बासर खिलाफ गोठाणन की रैली। विक्रो कल जमीन वापस वठण लाए गोठ ते हमले जो इल्जाम। गोठाणन दायो है त बासर जीण तंग कर छो है। नोटिस वी कार्रवाई कई वही। सारी दुनिया में अज बोलन जो आलमी ढी मल्हाए पे वे। सोशल मीडिया से सिंधी के कौमी बोली जो दर्जो दियारण लाए मुहिम। ट्विटर से सिंधी इज आल नेशनल लैंग्वेज टॉप ट्रेंड बढ़ वो। सिंधी बोली के बाख्तियार इदारे पारा अज मादरी बोलन के आलमी ढी के मौके से हैदराबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्द थी। मुख्तलिफ बोलन जहा माहिर मकाला पढ़ा। नवाबशाह सांगड़ मोरो ठुल डहरकी ए बेन शहर में सिंधी अदबी संगत जो रैलियों। सिंधी के कौमी बोली जो दर्जो दियण जो मुतालबो।